चूंदर माथे पे डाल के एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के भोला से बन गए भोली छोड़ दे और कहने लगे भोलेनाथ इन सबको रखूंगा मैं इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के भोला से बन गए आवाज बोल सकते हैं लेकिन चाल बिल्कुल नहीं चल सकते लेडीजो वाले। अगर चलने की कोशिश करेंगे तो पक्का तीसरी नस्ल वाले लगेंगे। तो कहने लगी माँ पार्वती और पकड़े ना जाओ भोले पकड़े ना जाओ भोले मर्दानी चाल से भोला से बन गए भोले भोला से बन गए भोले
भगवान भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया, कहने लगे पार्वती जल्दी से अंदर जान दे वरना तेरी सारी मेहनत करी की धरी रह जाएगी। अगर महाराज का गेट लग गया तो माँ पार्वती कहने लगी भोलेनाथ मुझे इतना विश्वास नहीं था कि आप स्त्री के रूप में इतनी भी सुंदर लग सकते हो। तो भोलेनाथ कहने लगे पार्वती तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। तो मैया पार्वती कहने लगे अरे भोले तुम पर तो अपनी जान से ज्यादा भरोसा है लेकिन उस मुरली वाले का कोई भरोसा नहीं है। और मैया भगवान भोलेनाथ के रूप को देख करके कहने लगी हमारे कान्हा जी आ गए और कहने लगे अरे गुजरिया एक बात बता महाराज में कब पहली बार आई है। ऐसे थे हमारे भोलेनाथ जैसे ये गज का घूंघट काढ़ के बैठी है भाभी। तो भगवान भोलेनाथ ने गर्दन हिला दी हाँ। तो कहने लगे कान्हा जी छलियाई तो थे समझ गए कि आज मेरे प्रभु भेष बदल कर महाराज में आ गए हैं। तो कहने लगे एक बात के द्वारा केरी गुजरिया एक बात क्यों मन की। तो कहने लगे कि अनजान है तू फिर भी मगर अरे गोपी कि अनजान है तू फिर भी मगर तेरी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। अपनी जुल्फों की जंजीरों में जकड़ लूं तुझे तेरे रूबरू आने को जी चाहता है। और दीवाना बना दिया तेरी एक झलक ने गोपी मुझको दीवाना बना दिया तेरी एक झलक ने गोपी मुझको तेरे प्यार के सागर में डूब जाने को जी चाहता है। और कहने लगे कान्हा जी हर देख के भोले बाबा को फिर भोले है कन्हाई अरे भोले है कन्हाई की कलाई पकड़ ली हमारे कन्हैया जी ने और कह दिया कि पाले पड़ी है गोरी पाले पड़ी है गोरी और आज नंदलाल के भोला से बन गए भोली किस किस को भजन अच्छा लगा एक बार वो हाथ उठाएंगे जिसको भजन अच्छा लगा है ताली लगा दो चलना है और कहना है भोला से बन गए भोली